सिंगल स्ट्रैंड लेंगे, थ्रेड को यहाँ पर अटैच करेंगे नॉट लगा के, और फाउंडेशन रो बनाएंगे। ये फाउंडेशन रो के लिए आप मेरी अर्मेनियन निडल लेस की फाउंडेशन रो रेफ़र कर सकते हैं। इसमें लेफ़्ट टू राइट बनाएंगे। थ्रेड अटैच करके ये फर्स्ट नॉट लगाएं। अब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जाते हुए हमें बेस लाइन बनानी है, इसी तरह से सेम टेक्निक से। इस तरह से रखेंगे, ये थ्रेड नीडल के ऊपर है और जो अटैच है नीडल को उससे हमें इस तरह से टर्न लगाना है। इसके ऊपर रैप लगाएंगे ये सेकंड, तो इसी तरह हमें कंप्लीट करना है ये बेस लाइन को। तो सेम करते हुए ये लाइन को कंप्लीट करें। फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट स्टिच है इसमें थ्रेड को अटैच करेंगे, तो इस तरह से थ्रेड को रखेंगे। आप एक्स्ट्रा थ्रेड भी रख सकते हैं और इसमें निडल इंसर्ट करेंगे और एक स्टिच लगाते हुए ये थ्रेड को स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरह से, और ये थ्रेड को यहाँ पर टाई करके कट कर सकते हैं। अब टू स्पेसेस में, वन टू स्पेसेस में सिंगल स्टिचेस बनानी है। वन टू, अब एक बीट को ऐड करेंगे। और ये जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें हमें इसे अटैच कर देना है। इस तरह से ये अटैच हो गई। अब टू स्पेसेस में सिंगल स्टिच, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। टू स्पेसेस में सिंगल स्टिच लगाएंगे और हमें उसके बाद बीट को थर्ड स्पेस में अटैच कर देना है। तो ये टू स्पेसेस में सिंगल स्टिच, और फिर टू स्टिचेस के बाद बीट डालेंगे और नेक्स्ट स्पेस में इसे अटैच कर देंगे। तो ये रो को इसी तरह कंटिन्यू करते हुए, फॉलो करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो सेम रिपीट करें और ये रो कंप्लीट करें। अब थर्ड रो बनाएंगे, फाइनल रो। इस तरह से थ्रेड को रखेंगे और ये जो फर्स्ट स्पेस है यहाँ पर अपने थ्रेड को अटैच करेंगे इस तरह से रखते हुए। अब जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें सिंगल स्टिच लेनी है ऐसे ही रख के। अब इसके ऊपर थ्री बीट्स हमें अटैच करनी है। अब जो ये नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे, इसे टाइटली होल्ड करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से एक टर्न लगाते हुए इसे अटैच करेंगे। अटैच करते टाइम ये थ्रेड को टाइटली पुल करेंगे और इस तरह से परफेक्टली इसके ऊपर अटैच करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पर हमें सिंगल स्टिच बनानी है। इसके नेक्स्ट स्पेस में ऐसे ही रखेंगे थ्रेड को स्ट्रेट और एक टर्न लगाते हुए इसके ऊपर होल्ड करेंगे। इसे नॉट लगाने से पहले लूप को एडजस्ट कर सकते हैं। अब सेम रिपीट करेंगे, थ्री बीट्स लगाएंगे यहाँ पर अटैच करेंगे, यहाँ पर सिंगल स्टिच बनाएंगे। इसी तरह सेम रिपीट करते हुए कंप्लीट करें।